कांटी नगर पंचायत के कर्मचारियों को बनाया बंधक। जल जमाव की भीषण स्थिति से कांटी नगर पंचायत का हाल बहुत ही खराब है। पिछले 4 वर्ष से संघर्ष कर रहे कांटी नगर पंचायत वार्ड नंबर 13 और 14 के लोगों का आक्रोशित फूट पड़ा। सोमवार को लोगों ने नगर पंचायत के सफाई वाहन को रोककर कर्मचारियों को बंधक बना लिया। लगातार संघर्ष आंदोलन के बाद पास हुई वार्ड नंबर 13 का कोठिया मजार के समीप जाने वाली सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने को लेकर लोग आक्रोशित थे। ग्रामीणों ने गाड़ी और कर्मचारियों को छोड़ने से इनकार कर दिया। बड़ी संख्या में महिलाएं और वार्ड के नौजवान पुरुष व महिलाएं सड़क पर उतर गए। वार्ड वासियों का आरोप है कि नगर पंचायत और ठेकेदार की मिलीभगत के कारण सड़क निर्माण में लापरवाही बरती जा रही है। इस भीषण श्रादी में सड़क दलदल हो गया है। मामले की जानकारी मिलते ही युवा शक्ति के अनय राज मौके पर पहुंचकर नगर और जिला प्रशासन को समस्या से अवगत कराया। युवा शक्ति के दर्जनों पदाधिकारी पहुंचकर ग्रामीणों से मांग को जायज बताते हुए नगर प्रशासन के लापरवाही पर आक्रोश जताया। नगर पंचायत के अधिकारियों द्वारा समस्या का निदान जल्द किए जाने के आश्वासन के बाद कर्मचारियों को मुक्त किया गया। क्या बड़ा गंभीर है, इस समस्या को हम लोग समस्या के रूप में नहीं ले सकते हैं, आम समस्या। पूरा देश, पूरा भारत वर्ष चांद पर का रास्ता बना रहा है, लेकिन महज ये 1.5 किलोमीटर, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि प्रखंड मुख्यालय और नगर पंचायत से ये 1.5 किलोमीटर का मात्र दूरी है, और यहाँ पर ऐसा रास्ता है कि एक साइकिल भी नहीं चल सकता है। किसी की बेटी बहन की अभी शादी अगर हो जाए तो बारात नहीं आ सकती है। ये दर्दनाक, ये दर्द है इन लोगों का, और लगातार ये लोग दर्जनों बार आंदोलन, धरना, प्रदर्शन कर चुके हैं। निकम्मी प्रशासन, निकम्मी सरकार, मतलब केवल और केवल टैक्स, होल्डिंग टैक्स, बिजली टैक्स, शौचालय टैक्स, गृह टैक्स, टैक्स टैक्स लेकर खजाना भरने का काम कर रहा है। और बहाना पर अभी पूरे नगर पंचायत के जो कर्मचारी है उनका वाहन है, आम जनता सड़क पर उतर के उनको बंधक बना लिया था। और इस भीषण बारिश में चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ ये पंचायत है, नगर पंचायत, कीड़ा मकोड़ा निकल के घर में घुस रहा है। सड़क से, दरवाजे से ये लोग सड़क पर नहीं आ पा रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए ये लोग उग्र होके अभी सड़क पर सुबह 8 बजे से प्रदर्शन कर रहे थे, और अभी नगर अध्यक्ष महोदय आए हैं, एग्जीक्यूटिव से हम लोगों ने संयुक्त रूप से बात किया है। एग्जीक्यूटिव साहब ने 7 दिनों का मोहलत दिया है, और बारिश का उनका एक बहाना है, तो बारिश के लिए हम लोग भी समझ रहे हैं, बारिश खत्म होते ही 2 दिन के भीतर में वो काम को खत्म करेंगे, नहीं तो नगर अध्यक्ष महोदय इन जनता के साथ, हम लोगों के साथ नगर कार्यालय में तालाबंदी करने का काम करेंगे। अगर नहीं तालाबंदी हुआ तो हम लोग यहां से लेकर और नगर पंचायत से लेकर जिला प्रशासन तक हल्ला बोल करने का काम करेंगे। ये सड़क का निर्माण अब कोई बहाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं, अब हमें निर्माण चाहिए, और नहीं तो आप ठेकेदार बदलिए, कॉन्ट्रेक्टर बदलिए, और नगर प्रशासन डायरेक्ट आके अपना से निर्माण कराए। कोई बहाना नहीं चाहिए, और अपना ठेकेदार, अपना वार्ड पार्षद को नियुक्त कीजिए, और रोड को काम करा के हमको काम चाहिए। अगर बहाना हुआ तो ये युवा शक्ति सामाजिक संगठन, इनकी समाज की आवाज़, गरीबों की आवाज़ उठाते रह रही है, आगे आंदोलन के रूप में ऐसा उठाएगी कि अब तालाबंदी होगा, कोई काम नहीं हो पाएगा नगर प्रशासन। कितने दिनों के अंदर में समस्या का समाधान किया? अभी तुरंत स्कूटी ऑफिसर से बात, हमने आए जनता को समस्या को देखें, देखते हुए लगा कि जनता की समस्या की जितना जल्द से जल्द हो सके समस्या को निदान करना है, और स्कूटी ऑफिसर से बात हुई तो स्कूटी ऑफिसर ने कहा कि 7 दिन के अंदर हम प्रयास करेंगे जितना जल्दी हो सके। अगर 7 दिन के अगर कल से अगर बारिश छूटा तो परसों से स्टार्ट हो जाएगा काम, स्कूटी ऑफिसर ने कहा, और इसके आधार पर हम और स्कूटर से बात करेंगे। अगर वो नहीं सुनते हैं तो आगे भी बात करेंगे, आगे भी डीएम साहब से ही बात करेंगे, और सारे जनता को के बीच में हम लोग साथ रह के भी अगर नहीं होते हैं तो हम डीएम साहब यहाँ जाएंगे, अगर धरना देना होगा तो हम लोग जनता के साथ बैठेंगे, लेकिन काम को जल्दी से जल्दी निपटारा देना है।